पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो लोगों की सुरक्षा करे, प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बनाए रखे। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के बुरे हालत है। हमारा जो नशे का कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों से रेप किया जा रहा है। तो हमने तो पहले भी कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाया है, और अभी जो मुख्यमंत्री के सामने जिस ढंग से पुलिस के अधिकारियों ने बर्ताव किया, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो ESP को थप्पड़ मारते हैं और मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी जो है उनको लात मारते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। इससे पुलिस की कार्य कुशलता पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा है। इससे जो पुलिसकर्मी हैं वो डिमोरलाइज हुए और प्रदेश की जनता में एक गलत संदेश गया है। जो महेंद्र सिंह जी ने एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ईमानदार और कार्य कुशलता के लिए जाने जाते हैं, तो अधिकारियों के साथ आज जो है बदतमीजी की जा रही है और इससे जो पूरी ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज है। आपने देखा होगा जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें जो है बदला जा रहा है, और जो निष्क्रिय ऐसे लोग हैं जो RSS की भाषा बोल रहे हैं उन्हें जो है महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया गया है, और इसीलिए जो है प्रदेश में जो है आज जो ये हालात बने हैं, इसके लिए सीधे तौर पे जो है मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार।